अगर वो चीज़ें जो भी जिस भी डिवाइस के बारे में बात करें हम लोग, अगर वो डायरेक्टली हमारे पास अगर फिजिकली अगर प्रेजेंट है तो उसको समझने में काफ़ी आसान हो जाता है ना, क्योंकि डायरेक्टली हम देख रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आपके सामने माउस भी ला दिए है ताकि आप लोग माउस को देखें और अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए, अभी तक तो आप लोग इस्तेमाल किए होंगे माउस का, 2-3 दिन में जो भी होगा, है ना। तो माउस का ये आप इस तरह से ये देखे होंगे, और माउस में 3 बटन्स होते हैं, ठीक है। देख रहे होंगे बीच में आप एक चक्का दिख रहे हैं, मैंने चक्का, तो ये चक्का की तरह इसको हम लोग स्क्रॉल व्हील कहेंगे। देखिए यहाँ पे, यानी कि माउस में एक चक्का जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील। और बस अब समझ, याद करने का तरीका एकदम आसान है। इस बीच वाला ये चक्का के राइट में, जो राइट में हो जाएगा वो कौन सा बटन होगा, राइट बटन, ऐसे याद रखना है। और इससे जो लेफ्ट में आएगा लेफ्ट बटन। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में रहेगा ना, हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा जो बटन्स वो लेफ्ट बटन, और जो राइट हैंड साइड रहेगा वो राइट बटन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या इसको भी हम देख सकते हैं, ये चक्का जो है इससे हम क्या करेंगे, यानी कि जो व्हील्स स्क्रॉल व्हील जो है इसके अगर लेफ्ट में जो है लेफ्ट बटन और राइट में जो है राइट बटन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड है तो पहला क्या हो गया, लेफ्ट बटन ना, लेफ्ट बटन, और दूसरा हो गया राइट बटन, राइट बटन, और तीसरा जो है एक स्क्रॉल व्हील है, स्क्रॉल व्हील। आप ध्यान रखिए, नाम भी पकड़िए, हम लोग इसका तो लेफ्ट में है इसीलिए क्या बोल दिए, लेफ्ट बटन, ये राइट में है तो राइट बटन। और इसको कैसे याद रखें, तो बहुत सिंपल है, ये चक्का की तरह है कि नहीं है, तो चक्का को पहिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हील, व्हील बोलेंगे। और इसका इस्तेमाल क्या का किया जाता है, स्क्रॉलिंग के लिए किया जाता है ना, कोई भी पेज को हमें स्क्रॉल करना है तो इस चक्के का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस चक्का के द्वारा, मतलब इस व्हील के द्वारा क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो स्क्रॉल व्हील, नाम समझ आए ना, काम में कौन सा रिलेट कर रहा है, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट बटन, राइट में है तो राइट बटन, क्लियर। अब यहाँ पे समझिए, लेफ्ट बटन तो हम दिशा के अनुसार बोल दिए ना कि लेफ्ट में है तो लेफ्ट बटन और राइट में है तो राइट बटन, लेकिन लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन बोला जाता है, ठीक है। टेक्निकल में हम बात करेंगे तो इसका क्या नाम है, प्राइमरी बटन। अच्छा, याद भी करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग याद ना भी करना चाहिएगा फिर भी याद हो जाएगा, ना याद करना चाहिएगा तो हो जाएगा याद, इसीलिए लड़के लोग बोल देते हैं ना, सेकेंडरी बटन। नहीं, खाना नहीं बनाएगी बन जाएगा, बनना जाएगा, सत्तू, अरे सत्तू चूड़ा खा लेगी ना, नहीं खाएगी, चलो कोई बात नहीं। देखिए अब देखिए, लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन और राइट बटन को सेकेंडरी बटन, तो ऐसे भी हम ध्यान रखें। देखिए, कोई भी चीज़ों को याद करने के लिए क्या करना है ना, हमें कोई ना कोई चीज़ों को ना रिलेट कर लेना होगा, तब माइंड में फिट हो जाएगा। जैसे हमारा रियलिटी बताते हैं, हम अपना कहीं भी जाते हैं अगर, तो जहाँ पर रास्ता होगा देखा होगा नहीं होगा, कहीं अगर गए तो क्या करते हैं ना, कोई कोई चीज़ के याद कर लो, कोई बड़ा बिल्डिंग याद कर लेते हैं कि ये बिल्डिंग से जा रहे हैं, ताकि वहाँ से आएंगे ना, तो अगर भूलेंगे तो हम बिल्डिंग को देख के, अच्छा ये बिल्डिंग रास्ते में मिला हुआ था जाते वक्त, मतलब हम सही रास्ते में जा रहे हैं। कोई पेड़ वगैरह बड़ा बड़ा काम ये कर लेते हैं, तो उसी प्रकार हमें पढ़ने कोई भी चीज़ या माइंड में अगर फिट रखना है तो कोई चीज़ों को रिलेट कर लेना होगा। तो रिलेट इसको कैसे करेंगे, लेफ्ट, ध्यान कि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं लिखते हैं हम लोग तो लेफ्ट के, लेफ्ट से ही आगे बढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं ना, लेफ्ट हुआ ना इस साइड, इधर से लेकर राइट में पढ़ रहे हैं, तो पहले किधर से लिखना शुरू किए हैं, लेफ्ट से, मतलब पहले कौन बटन पड़ेगा, लेफ्ट, लेफ्ट बटन पहले आया तो पहले को, मतलब प्राथमिक, मतलब प्राथमिक हुआ पहला, तो प्राथमिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोल देंगे। एक बाद में सेकेंड में दूसरा नंबर पर पढ़ा, मैंने पहले प्राइमरी, पहले पढ़ा था प्राइमरी, और दो नंबर पर पढ़ा था सेकेंड में, द्वितीय सीरीज से बातें हैं, समझ में आया कि नहीं यार। तो ऐसे भी देख सकते, ये पहले पटना पढ़ रहा है तो प्राइमरी बोल देंगे, और इसके बाद में सेकेंड में पढ़ा था सेकेंड ही बोल देंगे। कभी भूलिएगा, कभी भी सब कंफ्यूज हो जाता है, बताओ लेफ्ट का क्या नाम है, तो कभी कहता है प्राइमरी, और राइट का क्या नाम है, तो सेकेंडरी, फिर मुझे राइट का क्या नाम है, तो प्राइमरी, कन्फ्यूजन में आ जाता है कि कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी हो जाएगा। तो अब तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा ना, कि जब भी भूलिए तो ध्यान रखिए पहले पढ़ रहा है मतलब प्राइमरी, सेकेंड में पढ़ा सेकेंडरी, क्लियर। और ये जो चक्का दिख रहा है, तो चक्का का तो सबको जानता है, पहिया का सब सबको पता है व्हील बोला जाता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग स्क्रॉलिंग के लिए करते थे, स्क्रॉल व्हील, कुछ है याद करने में। चलिए, तो ये तो बटन्स का नाम हम लोग जाने सिर्फ, है ना। अब इसका वर्क देखेंगे कि कौन कौन से इसका वर्क है। देखिए,
आपसे हम पूछे हैं कि तो बहुत सारा दिन भर चार दिन लगा दीजिएगा माँ उसका काम खत्म ही नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसका वर्ड कुछ डिवाइडेड है, कुछ ग्रुप्स में है और कुछ ये उसको हम देखेंगे। लेफ्ट बटन का काम पहले देखते हैं, ये लेफ्ट है, चल लेफ्ट पे आते हैं, ठीक है। लेफ्ट के बारे में, लेफ्ट बटन से यानी कि ये लेफ्ट समझ आए इधर वाला, हाँ लेफ्ट साइड वाला यानी कि प्राइमरी बटन। प्राइमरी बटन से मुख्य रूप से दो काम होता है, एक क्लिक या सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक। बताएंगे, परेशान नहीं होना, समझ में आ जाएगा सब। और दूसरा हो जाएगा डबल क्लिक, ठीक है। प्राइमरी बटन यानी कि लेफ्ट बटन जो है इसे कितना काम है, मुख्य काम नहीं, इसे काम दो तरह से करते हैं, एक तो करते हैं सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक, और दूसरा क्या करते हैं डबल क्लिक। मतलब कि आप लोग इतना सारा आप लोग जो क्लिक करते हैं हर बार हर ऑप्शन होगा पे, काम दो ये भी करते हैं, क्या करेगा सिंगल क्लिक नहीं तो डबल क्लिक। अब कभी कभी होगा कि क्लास आप लोग मान लीजिए लैब कर रहे हैं, उस समय कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि लेफ्ट क्लिक करो या सिंगल क्लिक करो, बोलेंगे कभी सिंगल क्लिक लेफ्ट क्लिक कभी कभी बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर कंटिन्यू क्या बोला जाएगा क्लिक करो, वो नहीं बोला जाएगा यहाँ क्लिक करो वहाँ क्लिक करो ये सब समय क्लिक करो उस सब समय क्लिक करो, सिंगल क्लिक नाम कभी नहीं लेंगे, ले कभी कभी ले सकते हैं लेकिन सभी क्या बोलेंगे क्लिक करो। आप लोग भी बोलते होंगे ना कि यहाँ पे क्लिक करो वहाँ पे क्लिक करो, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं दोस्तों वगैरह या अपने में ही, तो क्लिक ओनली अगर बोला जाए, इसीलिए अगर सिंगल क्लिक ओनली बोलिएगा तो कोई बोलेगा क्लिक करो तो पूछिएगा उससे कि सिंगल क्लिक करे कि लेफ्ट क्लिक करे कि डबल क्लिक करे, पूछना नहीं है। जो अगर कोई बोले कि क्लिक करो तो क्या मैं समझना कह रहा है सिंगल क्लिक करने के लिए, नहीं तो लेफ्ट बटन काम है दो गो सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, राइट बटन काम है राइट क्लिक करना, उससे पूछ दीजिएगा ना कि बताओ कि सिंगल क्लिक करे कि डबल क्लिक करे कि राइट क्लिक करे, सीधा क्लिक बोलेगा तो। लेकिन समझिएगा कि लेफ्ट क्लिक यानी कि लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करने को लेफ्ट क्लिक सिंगल क्लिक या क्लिक कहते हैं, ठीक है। तो जब भी ओनली क्लिक का नाम है तो पूछना वहाँ पे नहीं है कि सर बताइए कि सिंगल क्लिक करे डबल क्लिक करे या राइट क्लिक करे, क्या समझना है हमें क्लिक करने के लिए बोला मतलब सिंगल क्लिक कैसे तो लेफ्ट बटन यानी कि ये लेफ्ट में है ना बाया में, तो लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ देने को यानी कि एक बार क्लिक करने को क्या कहते हैं सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक या क्लिक कहते हैं। तो ये हो गया इसका काम। और डबल क्लिक मतलब लेफ्ट बटन को जल्दी जल्दी स्पीड में आपको करना है, ठीक है, दो बार प्रेस करना है तो डबल क्लिक हो पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक बार हम क्लिक कर लिए थोड़ा पानी उनी पी के दम धके आए फिर एक और क्लिक कर लिए तो डबल क्लिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, दम धरने वाला बात इसमें नहीं रहेगा, हमें स्पीडली दो बार प्रेस करना होगा तभी वो डबल क्लिक हो पाएगा, ठीक है। कौन बटन लेफ्ट किला राइट देख लिए ना, लड़की लोग का चना होगा खाना होगा बादाम खाना होगा। चलिए लेफ्ट बटन पे ही अभी चल रहा है, राइट बटन पे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट को एक बार प्रेस करने को सिंगल क्लिक और दो बार प्रेस करने को डबल क्लिक, लेफ्ट से ही डबल क्लिक होगा, ठीक है। अब इसका काम जानेंगे, पहले इसका हम काम ये चल लेते हैं कि सिंगल का भी कुछ अलग अलग काम बटा हुआ है और डबल क्लिक से भी अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब राइट बटन से मात्र एक ही काम होता है, क्या होता है राइट क्लिक, ये पहला और ये दूसरा, यहाँ पहला होता है और इससे हो जाता है राइट क्लिक, ठीक है। बस एक काम राइट बटन का, सिर्फ क्या काम है राइट क्लिक करना, बस और कुछ नहीं। और स्क्रॉल व्हील का काम क्या है, स्क्रॉलिंग करना, स्क्रॉलिंग प्रोग्राम डॉक्यूमेंट ETC ऐसा कोई भी हो प्रोग्राम हो कोई डॉक्यूमेंट हो ये सब को सिर पर सिर्फ क्या कर सकता है वो स्क्रॉल कर सकता है, ठीक है। स्क्रॉलिंग प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट
ATC और भी जो भी हो आप स्कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेब पे भी जाइए, वेबसाइट वगैरह पे, वहाँ भी हम उसका यूज करके स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हुआ, अब क्लिक या सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक से काम क्या क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे, सिंगल क्लिक से क्या क्या काम होता है, डबल क्लिक से क्या, ये तो हम सिर्फ क्लिक करना सीखे, एक माउस क्लिक करता है, लेकिन सिंगल क्लिक कहाँ कहाँ करेंगे, किस किस वर्क के लिए करेंगे, डबल क्लिक कहाँ कहाँ पे करेंगे, किस किस वर्क के लिए करेंगे, ये भी सीखना है ना। राइट क्लिक कहाँ कहाँ करेंगे, अभी तक आप लोग राइट क्लिक का इस्तेमाल शायद नहीं किए होंगे कभी, शायद रिफ्रेश करने के लिए नॉर्मली, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे रिफ्रेश करेंगे, आइकन का शॉर्ट वाइज करेंगे, प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, ये सब नहीं हम बोलेंगे, हम एक ही काम ही होगा उसका, लेकिन क्या काम होगा कैसे बोलेंगे उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है आप लोग, ठीक है। चलिए आज क्लास इतना ही रहेगा।